नमस्कार। नमस्ते, मैं हूँ शबीना शेख सिद्दीकी और धर्म के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतवर्ष में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्यौहार दीपावली के बारे में। देश भर में दीपावली का पर्व पारंपरिक उल्लास एवं उत्साह से मनाया जा रहा है। धनतेरस से भाई दूज तक चलने वाले 5 दिन का यह त्यौहार न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली के दिन भारत में विभिन्न स्थानों पर मेले लगते हैं। दीपावली एक दिन का पर्व नहीं अपितु पर्वों का समूह है। दशहरे के पश्चात ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती है। लोग नए नए वस्त्र सिलवाते हैं। दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस का त्यौहार आता है। इस दिन बाजारों में चारों तरफ जन समूह उमड़ पड़ता है। बर्तनों की दुकानों पर विशेष साज सज्जा और भीड़ दिखाई देती है। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन प्रत्येक परिवार अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ न कुछ खरीदारी जरूर करता है। यह दिन भगवान धन्वंतरी के प्राकट्य का दिन है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन में अपने हाथ में अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी इस दिन प्रकट हुए थे। धन्वंतरी जी ही आयुर्वेद के जनक हैं। धनतेरस के दिन आरोग्य और दीर्घायु प्राप्ति के लिए धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है। साथ ही धन और नए खरीदे हुए बर्तन की पूजा का भी इस दिन बहुत महत्व है। इससे अगले दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली मनाई जाती है। इस दिन यम पूजा हेतु दीप जलाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा में मृत्यु के देवता यमराज को समर्पित कर दीप जलाने से अकाल मृत्यु नहीं होती और यमराज की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन को नरकाचौदस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से 16,000 राजकुमारियों को मुक्त कराया था। नरकासुर के अंत से प्रसन्न होकर लोगों ने खुशियां मनाई और भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। इस दिन को रूप चौदस भी कहा जाता है। माना जाता है कि सुबह मुंह अंधेरे उठकर स्नान करने से रूप निखर आता है। इस दिन विशेष रूप से हल्दी, चंदन, बेसन, मलाई एवं उपटन लगाकर स्नान किया जाता है और रूप का वरदान मांगा जाता है। अगले दिन होता है 5 दिवसीय दीप पर्व का मुख्य दिन यानी दीपावली। इस दिन घरों में सुबह से ही तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। बाजारों में खील, बताशे, मिठाइयाँ, लक्ष्मी, गणेश आदि की मूर्तियाँ बिकने लगती हैं। स्थान स्थान पर आतिशबाजी और पटाखों की दुकानें सजी होती हैं। सुबह से ही लोग रिश्तेदारों, मित्रों, सगे संबंधियों के घर मिठाइयाँ और उपहार बांटने लगते हैं। दीपावली की शाम धन की देवी माता लक्ष्मी, विद्या की देवी माँ सरस्वती और बुद्धि के देवता गणेश जी की पूजा की जाती है और यह आकांक्षा की जाती है कि हमें धन धान्य सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त हो और इस धन का सदुपयोग करने के लिए बुद्धि भी प्राप्त हो। पूजा के बाद लोग अपने अपने घरों के बाहर दीपक और मोमबत्तियाँ जला कर रखते हैं। चारों ओर चमकते दीपक अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। रंग बिरंगी बिजली के बल्बों से बाजार और गलियाँ जगमगा उठते हैं। रंग बिरंगी फुलझड़ियाँ, आतिशबाजियाँ और अनारों के जलने का आनंद प्रत्येक आयु के लोग लेते हैं। देर रात तक कार्तिक की अंधेरी रात जो होती है वो पूर्णिमा से भी अधिक प्रकाशयुक्त दिखाई देती है। दीपावली के अगले दिन आती है गोवर्धन पड़वा। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर डूबते ब्रजवासियों को बचाया था। इसी के कारण हम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं और इसी दिन लोग गोबर का गोवर्धन बनाकर उसकी पूजा करते हैं। अगले दिन भाई दूज का पर्व होता है। ऐसा माना जाता है कि यमराज की बहन यमी उन्हें हमेशा अपने घर आमंत्रित करती थी, लेकिन यमराज अपनी व्यस्तताओं के कारण बहन के घर नहीं जा पाते थे। आखिरकार एक दिन बहन के स्नेहिल निमंत्रण पर यमराज बहन के घर पहुंचे और उन्होंने वहां भोजन ग्रहण किया। भोजन के बाद उन्होंने अपनी बहन यमी से वरदान मांगने को कहा। तब बहन यमी ने वरदान मांगा कि आज का दिन भाई दूज के नाम से प्रसिद्ध हो और इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन करे उस पर आप सदा कृपा बनाए रखें। यमराज ने अपनी बहन को सहर्ष यह वरदान दे दिया। तब से यह माना जाता है कि भाई दूज के दिन भाइयों को अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए। भाई बहन के प्रेम का यह पर्व तभी से भाई दूज या यम द्वितीया कहलाता है। दीपावली के दूसरे दिन व्यापारी अपने पुराने बही खाते बदल देते हैं। ये दुकानों पर लक्ष्मी पूजन करते हैं। उनका यह मानना है
कि ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी की उन पर विशेष अनुकंपा रहती। कृषक वर्ग के लिए इस पर्व का विशेष महत्व है। खरीफ की फसल पक कर तैयार हो जाने से कृषकों के खलिहान समृद्ध हो जाते हैं। कृषक समाज अपनी समृद्धि का यह पर्व उल्लासपूर्वक मनाता है। अंधकार पर प्रकाश की विजय का यह पर्व समाज में उल्लास, भाईचारा और प्रेम का संदेश फैलाता है। यह पर्व सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों तरह से मनाया जाने वाला एक ऐसा विशिष्ट पर्व है जो धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विशिष्टता रखता है। हर प्रांत या क्षेत्र में दिवाली मनाने के कारण और तरीके अलग अलग हैं, पर सभी जगह कई पीढ़ियों से यह त्यौहार चला आ रहा है। लोगों में दिवाली की बहुत उमंग होती है। लोग अपने अपने घरों का कोना कोना साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ और उपहार एक दूसरे को बांटते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। घर घर में सुंदर रंगोली बनाई जाती है, दीपक जलाए जाते हैं, आतिशबाजी की जाती है। बड़े छोटे सभी इस त्यौहार में भाग लेते हैं। हर प्रांत या क्षेत्र में दिवाली मनाने के कारण और तरीके अलग अलग हैं, पर सभी जगह कई पीढ़ियों से यह त्यौहार चला आ रहा है। इस पर्व का अपना ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है, जिसके कारण यह त्यौहार किसी खास समूह का न होकर संपूर्ण राष्ट्र का हो गया है। हम सब जानते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम जब रावण को हराकर अयोध्या लौटे, तब प्रभु श्री राम के आगमन पर दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया और खुशियां मनाई गई। लेकिन दीपावली का यह पावन त्यौहार और भी कई कारणों से महत्व रखता है। आइए बात करते हैं दीपावली के महत्व की कुछ और बातों पर। राक्षसों का वध करने के लिए माँ देवी ने महाकाली का रूप धारण किया था। राक्षसों का वध करने के बाद भी जब महाकाली का क्रोध कम नहीं हुआ, तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में आकर लेट गए। भगवान शिव के शरीर के स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी जी की पूजा की शुरुआत हुई। ग्रस्त लोग दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन इसी रात को साधक इनके रौद्र रूप काली की पूजा करते हैं। कार्तिक अमावस्या के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी बादशाह जहांगीर की कैद से मुक्त होकर अमृतसर वापस लौटे थे। इसलिए सिख धर्म के लोग इस दिन को बंदी छोड़ दिवस और दीपावली के रूप में मनाते हैं। कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध दीपावली के एक दिन पहले चतुर्दशी को किया था। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुलवासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य जी का राज्याभिषेक दीपावली के दिन हुआ था, इसीलिए दीप जलाकर खुशियां मनाई गई थी। राज्याभिषेक के अगले दिन यानी पड़वा के दिन से विक्रम संवत प्रारंभ होता है। इस दिन नए वर्ष के प्रारंभ का उत्सव मनाया जाता है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी दीपावली के दिन ही शुरू हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने दीपावली के दिन ही बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। महावीर निर्वाण संवत इसके दूसरे दिन से शुरू होता है, इसलिए अनेक प्रांतों में इसे वर्ष के आरंभ की शुरुआत मानते हैं। दीपोत्सव का वर्णन प्राचीन जैन ग्रंथों में भी मिलता है। कल्पसूत्र में कहा गया है कि महावीर निर्वाण के साथ जो अंतर ज्योति सदा के लिए बुझ गई, आओ हम उसकी क्षतिपूर्ति के लिए बहिर्ज्योति के प्रतीक दीप जलाएं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के समर्थकों एवं अनुयायियों ने 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध के स्वागत में हजारों लाखों दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। पंजाब में जन्मे स्वामी राम तीर्थ का जन्म व महाप्रयाण दोनों दीपावली के दिन ही हुआ। इन्होंने दीपावली के दिन गंगा तट पर स्नान करते समय ओम कहते हुए समाधि ले ली। महर्षि दयानंद ने भारतीय संस्कृति के महान जननायक बनकर दीपावली के दिन अजमेर के निकट अवसान लिया। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। 500 ईसा पूर्व की मोहनजोदड़ो सभ्यता में प्राप्त अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति के अनुसार उस समय भी दीपावली मनाई जाती थी। उस मूर्ति में मातृ देवी के दोनों ओर दीप जलते दिखाई देते हैं। दीन इलाही के प्रवर्तक मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाश दीप दिवाली के दिन जगमगाया जाता था। बादशाह जहांगीर भी दीपावली धूमधाम से मनाते थे। मुगल वंश के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर दीपावली को त्यौहार के रूप में मनाते थे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेते थे। शाह आलम द्वितीय के समय समूचे शाही महल को दीपों से सजाया जाता था और लाल किले में आयोजित कार्यक्रमों में
हिंदू मुसलमान दोनों भाग लेते थे। तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम धर्म, जिसमें आज हमने बात की भारत के महत्वपूर्ण त्योहार दीपावली की। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा ऊपर दिए हुए नंबरों पर हमें जरूर बताइएगा। धर्म का यह अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में हम फिर किसी पर्व त्योहार की बात करेंगे। नमस्कार।